अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द एडवाइज़र में खुशामदीद। ये हमारे प्लाट का जो है वो भराई हो गई है रेती की, और इसकी जो है वो हमने बड़े अच्छा से इसको पानी दिया और इसकी कंप्लेक्शन भी हो गई, और अब जो है वो हम इसका कच्चा करने जा रहे हैं। कच्चा करने से पहले हम इसके ऊपर जो है वो स्प्रे करवाएंगे दीमक के खात्मे का। वो दीमक के खात्मे का जो स्प्रे है वो हमने पहले बुनियादों में भी करवाया था, इसकी वीडियो बनाकर हमने आपको दिखाई थी। अब चूँकि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी जिससे हमने इसको भराई किया है, ये मिट्टी या दरिया रेत जो है चूँकि बाहर से आई है, तो इसलिए खदशा हो सकता है कि इसके अंदर भी कोई दीमक के जरासीम ना हो। तो इसलिए हम इसको कच्चा करवाने से पहले जो मशीन और आई है योड़ा डलवाने से पहले जो है वो हम इसके ऊपर एक दफ़ा फिर जो है वो दीमक का स्प्रे करवा रहे हैं, ताकि दीमक से इसको बिल्कुल महफूज किया जा सके। क्योंकि ये रोड़ा, ये मिट्टी, ये सब इस प्लाट का हिस्सा नहीं थे, ये बाहर से आए थे। हो सकता है इसके अंदर जो है वो दीमक जो है वो कीड़े हों और वो बाद में हमें हमारे घर को नुकसान दें। तो इसलिए हम जो है वो इस, आप भी जब भी घर बनवाएं तो दीमक का स्प्रे 3 टाइम पे ज़रूर करवाएं। एक जब आप गड्ढे खोदते हैं, दूसरा जब आप उसकी निचली जो प्लंथ होती है उसको जब आप भरते हैं, और आखिर में जब आप उसको कच्चा कर रहे होते हैं। तो ये 3 दफ़ा ज़रूर दीमक का स्प्रे करवाएं, ताकि आपका घर जो है वो दीमक से महफूज हो सके। तो आज जो है हमारी साइड पे 2 एक्टिविटीज़ होंगी। एक पहले सबसे पहले दीमक का स्प्रे होगा, वो भी हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद जो है वो हमारा जो ये फर्श है, ये इसको कच्चा कहते हैं, कच्चा होगा, उसकी भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारा महलूल तैयार हो गया है। एंटी ट्रीटमेंट टर्माइट जो है दीमक के लिए जो है वो खात्मे के लिए हमारा महलूल तैयार हो गया है। हमने इसी को मोटर से जॉइंट करके और अब ये इसका स्प्रे कर रहे हैं हम पूरे उसमें। ये देखें जी, ये बहुत ज़रूरी है जब आप ऐसी जगह पे घर बना रहे हों जो कि पहले एग्रीकल्चरल लैंड थी, वहाँ पर दीमक का आने का इम्कान ज़्यादा है। और चूँकि हम ये मिट्टी बाहर से लाए हैं, तो इसमें भी हो सकता है इसके कीड़े हों, इसलिए ये हम ये स्प्रे करवा रहे हैं।